पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं लाहौर प्रेस क्लब के दोस्तों के लिए, सहाफियों के लिए जो आपने ऐलानात किए उससे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अमल दरामद जो है वो तकरीबन हो रहा है। तो सर दूसरा हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सेनेट का महाज तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो सर कर लिया, तो क्या आप पंजाब के अंदर नून लीग के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हैं क्या यहाँ पे भी कुछ दोस्त आपके साथ मिलने जा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आपके जो चैम्बर के दोस्त थे, एक बहुत पुराने आप लोगों के इश्यूज थे, वो मेरे ख्याल में आप शायद मौजूद थे, वन बाई वन हमने टोटली जो आपके इश्यूज थे हमने आपके हल कर दिए, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ इस तरह का काम मीडिया वालों का। दूसरा सेनेट का जो इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मरहला गुजर गया है, लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक अपना वोट डाला है, ये कोई पहली दफ़ा तो इस तरह से नहीं हुआ, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन सीएम साहब ऑपोजिशन तो कहती है कि ज़मीर बेचे गए हैं सेनेट इलेक्शन में, नहीं हुई है इसके वाले से बता दें, लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया है, अगर आप चाहते हैं कि खुफिया राय शुमारी ना हो तो आप ओपन करा लें। मरियम नवाज कहती है कि इलेक्शन का जो है आप पता चल गया होगा कि किस तरीके से हुए हैं और यहाँ पर इलेक्शन जो है वो अब इस तरह से ही हुआ करेंगे। नहीं, क्यों इस तरह से होंगे, अन वोट करें सामने आए। कप्तान ने तो वफात में ओपोजिशन को सरप्राइज दे दिया, आप कब तक फॉरवर्ड बना के सरप्राइज देंगे ओपोजिशन को? कोई इस तरह का नहीं है, इंशाल्लाह हम कंफर्टेबल हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। कितने लीग एमपीएस आ चुके हैं अब तक फॉरवर्ड ब्लॉक में आने के लिए? सब लोग हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम जितनी कानून साजी आप देखें पंजाब के अंदर हो रही है और जितना मामलात यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये बता दीजिएगा कि डीजी एंटी करप्शन को हटाया गया, कहा जा रहा है कि उन्होंने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपने हटा दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, इसमें ये रोजाना चलते रहते हैं, ये गवर्नमेंट जब चाहे जिसको चाहे जहाँ चाहे उसको पोस्ट भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपए इजाफा हुआ है और इस वक्त बिजली भी महंगी होने जा रही है, आप मुल्की हालात देखें। जी मैं समझ गया हूँ आपका सवाल, ये बताएं कि आपकी गवर्नमेंट का जो क्लेम था वो रिलीफ का, कब तक रिलीफ का प्रोसेस स्टार्ट होगा? आपको पता है कि कल हम कहाँ थे? फैसलाबाद में हमने वहाँ कार्ड दिए, चिन्योट में दिए, टोबा टैक्सिंग, अभी पूरे पंजाब में जो है ये रिलीफ दे रहे हैं। बल्कि एक और बात इस मौके के ऊपर मैं कहना चाहूँगा, ये जो हेल्थ कार्ड है हमारे, ये पूरे पंजाब के अंदर हम देना जा रहे हैं, इसमें एक और काम भी हम करने जा रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन भी हैं कि हमारे जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उन पूरे मुलाजमीन को भी इंशाल्लाह हम इस कवर में लाना चाहते हैं, जिससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, जो सरकारी मुलाजमी जो अपना इलाज नहीं करा सकते उनको हेल्थ कार्ड मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीडिया सहाफियों को जो है कल मरियम नवाज जैसी बाय निकली तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, सियासी जमातों की तरफ से जो है मीडिया पर इस तरह का जो है ये तशद्दुद, इस पे क्या कहेंगे आप? जी इस पे कानून के मुताबिक अमल होगा, बिल्कुल जो कानून कहेगा हम वही उसी तरह करेंगे। अच्छा, रूल अपना होगा नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह, आपको आप देखें उसी रेट पे इंशाल्लाह आपको मिलेगी। सेनेट इलेक्शन में आपने कामयाबी हासिल की, ये खूबसूरत सेहरा पीटीआई को दिया जाए या हलाई मखलूक? जो अराकीन थे जिन्होंने अपने जमीर के मुताबिक अपना वोट दिया है, इसमें किसी को इस तरह की जरूरत नहीं है। कमाल करते हैं आप। वज़ीर आला पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सगियां पुल के करीब पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है।